एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोनमित चौहान और आज का स्विच वर्ड आप ही की ख्वाहिश पे लेकर आई हूं। आप ही ने डिमांड करी है। कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि उनको पिंपल्स बहुत हो जाते हैं या मुहासे बहुत हो जाते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं मुहासे या दाने हो जाते हैं। जब दाने हो जाते हैं और जब वो सूख कर गिर जाते हैं तो वहां पे गड्ढा सा आ जाता है, जगह 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 गड्ढे से आ जाते हैं। तो उन गड्ढों से कई लोगों को लगता है कि हम अच्छे नहीं लग रहे, पर मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि खूबसूरती सिर्फ दिल की होती है। चेहरे की खूबसूरती तो जो है 4 दिन के लिए होती है, जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है खूबसूरती कम होती चली जाती है। तो जो प्यार की अंदर की दिल की जो खूबसूरती है वो जीवन भर साथ देती है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि दिल की खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन अब आपको अगर वो मुहासों के जो गड्ढे हैं वो नहीं सुहा रहे हैं तो हमारे पास स्विच वर्ड्स है ना, स्विच वर्ड्स जो कि हमारे सबकॉन्शियस को और कॉन्शियस को कनेक्ट करते हैं, हमारी अफर्मेशंस को जो है डिवाइन तक पहुंचाते हैं और हमारी मन की मुरादें पूरी करते हैं। बहुत छोटे 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 स्विच वर्ड्स होते हैं। एक एक वर्ड का मैं आपको मोस्टली वर्ड बताती हूँ जिससे कि आप उसको ईजिली चैंट कर सकें और ईजिली उसका भरपूर जो है फायदा उठा सके। तो चलिए आज भी उन मुहासों के सूखने के बाद जो गड्ढे रह जाते हैं हमारे चेहरों पर, तो उन गड्ढों को भरने के लिए क्या किया जाए। कई लोग तो मेकअप से उसको छुपा लेते हैं, कंसीलर लगा लेते हैं तो वो नजर नहीं आते, लेकिन हम लोग उसको नेचुरली कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है। आपको 2 तरीके बता रही हूँ। स्विच वर्ड एक ही है पर 2 तरीकों से उस वर्ड को यूज करके आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक तो ये है कि अपने जो आपका मेकअप का सामान है लाइक कंसीलर है, मॉइस्चराइजर है या फाउंडेशन है, उसके ऊपर आप रेड कलर के पेन से लिख दीजिए रीस्टोर, RESTORE, रीस्टोर, ठीक है। और जिस टाइम आप मेकअप कर रहे हैं तो मन ही मन रीस्टोर आप चैंट भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। इसमें ये है कि आपके जो मेकअप है वो हमेशा ही मैं मोस्टली उनकी बात कर रही हूँ, कंसीलर की, फाउंडेशन की, और वो जो पाउडर होता है या मॉइस्चराइजर, जो क्रीम जो चेहरे पे आप यूज करते हैं, है ना, तो इन चीजों पे आप रीस्टोर लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो हमेशा चार्ज्ड रहेंगे और आपके चेहरे में जो ये गड्ढे हैं उनको भरने का काम वो बहुत अच्छा करेंगे और स्लोली एंड स्टेडली आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली जो गड्ढे हैं वो भरते चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक दिन करा, 2 दिन नहीं करा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको रिलीजियसली करना है। अब ये भी मत पूछिएगा कितने दिन में हो जाएगा। आपको याद है कितने दिनों में आपको वो गड्ढे हुए थे? नहीं याद है ना, तो इसलिए इसको तो करते ही रहना है, क्योंकि अभी आप ठीक करेंगे फिर मुहासे हो जाएंगे, फिर गड्ढे हो जाएंगे, तो ये तो कंटिन्यूएशन में आप करते चले जाइए और जितना करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा। दूसरा तरीका, स्विच वर्ड सेम है, रीस्टोर, सेम स्विच वर्ड है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो है आप अपने पाम में यहाँ पे लिख सकते हैं RESTORE, या यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर रिस्ट पे लिख दीजिए रिस्टोर, RESTORE। बेटर है आप यहाँ लिख दीजिए रिस्ट में, क्योंकि आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो यहाँ पे अगर स्केच पेन वगैरह होगा तो वो क्रीम वगैरह आपकी खराब हो जाएगी और फेस पे भी वो रेड कलर आ जाएगा। बेटर है आप यहाँ लिखिए रिस्टोर। रिस्टोर लिखने के बाद जब ये आप रोज लिखिए और उसके बाद जब आप मेकअप कर रहे होंगे और क्रीम लगा रहे होंगे या आप फाउंडेशन लगा रहे होंगे, तो उस वक्त आपको जो है फेस पे रिस्टोर वाली यहाँ पे आपने लिखा हुआ है उसको अप्लाई करेंगे तो इस तरह से भी वो आपको हीलिंग का काम करेगा। एक और काम, आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, चलिए आपने कंसीलर नहीं लगाना, आपने कॉम्पैक्ट नहीं लगाना, आपने फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाना, आप क्या करें। कई लोग होते हैं ना जो ये मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, उनको नेचुरल रहना ज्यादा पसंद है, तो आप क्या करिए, तो आप यहाँ पे छोटा सा रेड पेन से रीस्टोर लिखी लीजिए, फिर तो लिखी लीजिए, यहाँ लिखिए रीस्टोर, और फिर अपने हाथों से जो आपका आजकल
काफी लोग भी बता रहे हैं और मैंने भी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं। लोगों को मैंने वो उपाय बताए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। रीस्टोर आपने अपने हथेलियों में लिखा और उसके बाद उससे आपने जो फेस के ऊपर अपने फेस योगा किया, जो भी फेस की योगा की एक्सरसाइज हो सकती है। राइट नाउ हम बात कर रहे हैं गड्ढों की, तो आपको यहाँ करना है। तो आप जो ये फेशियल आपका ये होता है ना स्टेप होता है, इस तरह से आप जो करते हैं उस तरह से करिए, ये आपके सारे के सारे गड्ढे भरते चले जाएंगे। इसको आप रोज करिए, मतलब कोई क्रीम अगर मत लगाइए, बस हाथ पे लिख लीजिए और उसको आप इस तरह से उसको करिए और फिर मुझे बताइए कि कितनी जल्दी आपको फायदा हो रहा है। सिर्फ क्या करना है आपको, रीस्टोर, RESTORE। और कौन से कलर के पेन से लिखना है आपको, रेड कलर के पेन से लिखना है, ठीक है। रेड कलर का पेन हर जगह पे अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है, तो कभी स्विचवर्ड सीखना हो आपको तो मुझे जरूर बताइएगा, स्विचवर्ड्स मैं सिखाती हूँ। उसमें ये भी बताती हूँ कौन से कलर्स यूज करने हैं, किस स्विचवर्ड के साथ किस तरह से बोलना है, बहुत चीजें बताती हूँ बेसिक कोर्स में। सीखना चाहते हैं तो अभी फ्राइडे से मैं सिखाने जा रही हूँ, आप सीखना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिन की क्लास है और बाकी चीजें डिटेल्स आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, 9818130040। वैसे मैं अपना नंबर बहुत जल्दी चेंज करने जा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा नंबर पे लिख दूंगी, ठीक है। आप उस नंबर पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, और फॉलो करिए इन रिचुअल्स को, ये आप ही के लिए मैं बता रही हूँ। आपके कमेंट बॉक्स में मैं सब पढ़ती हूँ और जो जो चीज़ें जायज़ होती हैं वो मैं आपको आपको वीडियो में बताती जाती हूँ। बस बी ब्यूटिफुल फ्रॉम योर हार्ट एंड फ्रॉम योर ऑब्वियसली बॉडी फेस एंड विद स्माइल। हाँ चलिए अभी चलते हैं, अभी के लिए आगे दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।